दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल द टाइम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा माद निकालना, और माद आज हम तीन विधियों से प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माद और पग विचलन विधि। और दोस्तों जो आने वाला लेखपाल एग्जाम है उसमें ये विधि काफ़ी सफिशेंट है, और उसमें एक क्वेश्चन 100% आएगा। और जो बच्चे अभी हाई स्कूल में हैं बोर्ड का एग्जाम देंगे तो उनके लिए एक विधि 100% लिख कर रखो दोस्तों, एक विधि आएगी ठीक है, और वो भी 6 नंबर में। तो दोस्तों जो बच्चे हाई स्कूल बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज 6 नंबर पक्के हो जाएंगे, और जो लेखपाल का पेपर देने जाएंगे उनके लिए 1 नंबर पक्का। तो दोस्तों आइए चलते हैं, पहला मेथड प्रत्यक्ष विधि, चलते हैं प्रत्यक्ष विधि पर। तो पौधों की संख्या ये वर्गमूल दर का, और घरों की संख्या और वर्गचिन्ह। तो हमें सबसे पहले वर्गचिन्ह निकालना है। वर्गचिन्ह निकालने की दोस्तों करना क्या है, इस वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा करना है। तो 0 और 2 2 और 2 का आधा कितना हो गया हमारा 1, 2 और 4 6 का आधा 3, और 4 और 6 10 का आधा 5। अब यहाँ क्या करना है, 6 और 8 14 का आधे कितने हमारे 7, और 8 और 10 कितने हमारे 18 का आधे 9। अब दोस्तों आपको क्या वर्ग अंतराल सेम है तो सभी में 2 2 जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 और 13 कितना 13। ये आपका x मतलब वर्गचिन्ह आ गया। करना क्या है, पहले को जोड़ेंगे करेंगे आधा, फिर दूसरे जोड़ेंगे करेंगे आधा। अब इसमें कितना अंतर का 2 का अंतर, सभी में 2 2 जोड़ते चले जाओ, ये हमारा वर्गचिन्ह निकल आया। तो एफ एक्स ये हमारा क्या है, f मतलब फ्रीक्वेंसी घरों की संख्या, और ये हमारा x है। तो x और वो f और x की गुणा कर देंगे तो एफ एक्स आ जाएगा हमारा 1 1 और 3 2 6 और 5 1 5 और 7 5 35 और 6 9 54 और 11 2 22 और 3 3 39। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सिग्मा एफ एक्स निकालना है। तो जब इनको जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 12 और 5 17 17 और 5 17 और 4 हमारा 21 21 और 2 21 और 2 23 23 और 9 हमारे कितने हो गए 23 और 9 32 32 का 2 32 का कितना हो गया 2, और हासिल किया हमारा 3 3 और 3 6 6 और 5 11 11 और 2 13 13 और 3 16 162। तो दोस्तों ये हमारा एफ एक्स, इसका हमारा सिग्मा एफ एक्स का मान है, और ये सिग्मा हमारा एफ का मान है। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है माध बराबर, माध को डिनोट करते हैं हम एक्स बार से, एक्स बराबर एक्स बार मतलब माध, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू देखिए 162, और सिग्मा एफ 20। तो दोस्तों जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 8.1। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, प्रत्यक्ष विधि से माध। तो दोस्तों इन्हीं आंकड़ों को हमने प्रत्यक्ष विधि से किया, अब इन्हीं आंकड़ों को हम कल्पित माध मतलब अज्यूम मेथड से करके दिखाएंगे आपको दोस्तों। तो चलते हैं, और अज्यूम मेथड दोस्तों आपको कब लगाना है, जब संख्या बड़ी हो तो हम लगाना है अज्यूम मेथड। तो दोस्तों ये मेथड कब लाएंगे, जब संख्या छोटी हो तो डार्ट मेथड चल जाएगा हमारा, जब संख्या थोड़ी बड़ी हो तो कौन सा अज्यूम मेथड, अब संख्या ज़्यादा बड़ी हो तो हमारा पग विचलन स्टेप डिवीजन मेथड। तो दोस्तों स्टेप डिवीजन मेथड हमारा बहुत ही हेल्पफुल करेगा हमारा एग्जाम में। तो आइए चलते हैं, पहले कल्पित माध पे देख लेते हैं, कल्पित माध है क्या देखते हैं, कल्पित माध अज्यूम मेथड। तो करना क्या हमें, ए ये हमारा वर्ग चिन्ह है, करना क्या है हमें डी का मान निकालना है। तो डी का मान निकालने के लिए हमें एक्स एक्स में से ए को हटाना है, अब ए हमारे पास नहीं है तो ए को हम अज्यूम करेंगे कहाँ से, वर्ग चिन्ह में से। तो हम जब ए को अज्यूम करेंगे तो करना क्या है हमें, बीच वाला नंबर लेना है 1 2 3 4 5 6 7, अब बीच में कौन सा होगा हमारा 7, 3 ऊपर और 3 नीचे तो बीच कैसे 7। अब 7 में से ये वर्ग अंतराल घटाते हुए चला के 7 में से क्या करना है, 7 में से ये पूरा ही वर्ग अंतराल घटा कर लेना है, यहाँ पर माइनस में आएगा तो माइनस में, प्लस में आए तो प्लस में, और बाद में गुणा भाग कर देनी है। तो 7 में से अब क्या 1 में 7 हटाएंगे तो माइनस का 6, अब 3 में से 7 हटाओ तो माइनस का 4, और 5 में से 7 हटाए तो 2, और 7 में 7 गया 0। अब क्या करेंगे, अब जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि अंतर 2 2 है तो 2 4 और 6। अब क्या करेंगे, अब निकालना हमें एफ डी, तो एफ डी निकालेंगे तो क्या ये एक्स है
सॉरी हमें एफ डी निकालना है, तो एफ हमारा ये फ्रीक्वेंसी हमारी ये और डी को डी का मान हमारा यह है, तो एफ और डी की गुणा कर कहाँ लिख देंगे यहाँ पर, तो छः एकम छः माइनस का छः सॉरी माइनस का छः और दो चौक आठ माइनस का आठ और एक दूनी दो माइनस का दो और जीरो से पाँच गुणा करेंगे तो जीरो आएगा और छः दूनी बारह और चार दूनी आठ कर लीजिए आठ और छतियाँ अठारह। अब प्लस के अलग और माइनस के अलग जोड़ लीजिए तो आठ ये और आठ ये, तो आठ से तो आठ गायब हो गया हमारा, आठ और आठ से आठ कट गया हमारा और छः और दो आठ। अब आठ ये हमारा और बारह ये हमारा, तो यहाँ पर कितने बचे चार और चार ये और अठारह ये कितने बचे हमारा बाईस। दोस्तों ऐसा है, अब आप जैसा करना चाहो आप वैसा कर सकते हो या आप ऐसा भी कर सकते हो, माइनस का अलग ऐड कर लो प्लस का अलग ऐड कर लो बाद में घटा दो तब भी हमारा 22 ही आएगा। अब निकालना है इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, हमारा माध बराबर क्या होगा, माध बराबर होगा हमारा और माध को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से, तो ए प्लस ए क्या हमारा अजूम किया हमने क्या जो भी किया होगा मान, प्लस सिग्मा क्या एफ डी, किसका मान है हमारा सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो दोस्तों मान लगा दिए, ये कितना हमारा ये सात प्लस सिग्मा एफ डी कितना हमारा सिग्मा एफ डी बाईस और सिग्मा एफ कितना हमारा फ्रिक्वेंसी, ये सिग्मा एफ का मान है यहाँ लिख दीजिए सिग्मा एफ बीस, तो जोड़ देंगे बीस। अब काट लीजिए, करना क्या आपको चाहो तो आप इसे भाग कर दो, कितना आएगा ये 1.1 जाएगा, तो जोड़ लीजिए कितना आएगा 8.1। तो दोस्तों हमने जो डायरेक्ट विधि से निकाला था तब भी हमारा माध 8.1 आया था और ये विधि कौन सी हमारी कल्पित माध। दोस्तों कल्पित विधि या कल्पित माध विधि, तो दो विधि आपकी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों ये विधि कब लगानी है, जब हमारे यहाँ पर आंकड़े बड़े आ रहे हों, अब गुणा अपना यहाँ के 20 और यहाँ के 35, तो क्या करूँ जब आंकड़े बड़े हैं तो क्या करेंगे इस विधि का प्रयोग करेंगे। और कल्पित माध से क्या आपको लगेगा बड़ी विधि है, पर जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये विधि आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। डार्ट विधि कब करनी है, जब हमारे आंकड़े छोटे हों, और कल्पित विधि कब करनी है, जब हमारे आंकड़े थोड़े बड़े हों, और ज़्यादा बड़े हों तो हमारा स्टेप डिवीजन मतलब पग विचलन विधि, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, तो आइए चलते हैं पग विचलन स्टेप डिवीजन मेथड पर। अब दोस्तों इसी सवाल पर हम करते हैं पग विचलन विधि, और जब हमारे आंकड़े बड़े हों तो पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो आइए सीखते हैं पग विचलन विधि, करना क्या है, इतना काम तो हमने पहले किया है वही किया हमने, अब चलते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट क्या करना है हमें। एक्स्ट्रा देखो डी तक हम वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, डी तक हमने बता दी डी कैसे निकालना है वो आप पीछे देख चुके हो, तो यू निकालना है। तो दोस्तों यू निकालने के लिए डी अपॉन एच, डी का मान दोस्तों हमारा ये और एच इन वर्ग अंतरालों का अंतर, दो और चार मानते हैं दो का, अब एच कितना का हमारा दो, अब इसमें हमें डी से सभी में दो दो से भाग करनी है, तो छः में दो से भाग करो तो माइनस का तीन, दो में माइनस का दो माइनस का एक, जब जीरो में भाग करेंगे दो से तो क्या आएगा हमारा जीरो आएगा। अब क्या करेंगे दो से दो में भाग करेंगे तो एक, अब यहाँ दो और यहाँ तीन, इसका उल्टा लिख देंगे। अब करना क्या है एफ यू हमें फाइंड करना है, तो एफ तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और यू का मान भी हमारे पास निकला है, और एफ और यू की आपस में कर देंगे गुणा। अब तीन एकम तीन माइनस का तीन प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है हमें, दो दूनी चार और एक एकम एक माइनस का एक और जीरो और पाँच जीरो और छः एकम छः और दो दूनी चार और तीन तियाँ नौ। अब दोस्तों यहाँ सिग्मा एफ यू का मान निकालना है, तीन और चार सात, सात और एक आठ, अब आठ तो माइनस का हो गया और नौ किसका प्लस का कितना नौ है, तो आठ में से नौ में से आठ गया तो प्लस का एक, अब एक जहाँ बचा और एक और चार पाँच और पाँच छः ग्यारह, कितना आ गया हमारा ग्यारह। सिग्मा एफ यू का मान हमारे पास ग्यारह आ चुका है और सिग्मा एफ का मान हमारे पास बीस है, तो इसका एक्स बार माध के लिए x बार से डिनोट करते हैं, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा f और गुणा में h।
तो मान आपके पास ए का भी मान है और सिग्मा एफ यू का मान है और एफ का मान है और एच का भी मान हमारे पास है। तो मान को पुट करेंगे, ए का मान कितना हमारा 7 प्लस एफ यू कितना हमारा 11 और बटे एफ कितना हमारा 20 और एच मतलब अंतर दोनों में कितना 2। तो कर लीजिए 7 प्लस, अब 2 से काट लीजिए आपका कितना जाएगा 10 और 5 हटाएंगे यहाँ 0 1.1 तो कितना आएगा 8.1। दोस्तों हमारा जो माध 8.1 आ चुका है। तो तीनों विधि हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रत्यक्ष विधि जिसे हम डार्ट मेथड बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि जिसे हम डार्ट मेथड बोलते हैं और कल्पित माध जिसे हम अजूम मेथड बोलते हैं और पग विचलन जिसे स्टेप डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो दोस्तों इन विधियों का प्रयोग आपको कब करना है, जब हमारे आंकड़े छोटे हों तो डार्ट विधि, जब थोड़े आंकड़े हमारे थोड़े और बड़े हों तब हमारा कल्पित माध, और जब आंकड़े ज़्यादा बड़े हों तो पग विचलन। अब यहाँ पर आपको गुणा भाग करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक दोस्तों में करें ताकि ये वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों जो हाई स्कूल में बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है और जो आने वाला हमारा लेखपाल एग्जाम होगा जून जुलाई में उसके लिए ये काफ़ी सफिशेंट होगी।